हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के परीक्षा जो हुआ था उसके पेपर का कला वर्क आज हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस पेपर यानी 2020 का पेपर कि किस तरीके से कला वर्क के लिए जो कला वर्क से छात्र भरे हैं उनको किस तरीके से 50% कला वर्क के सेक्शन में देखने को मिला था। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर वन और पेपर टू होता है, तो पेपर वन में कंपलसरी होता है जीके हिंदी। तो दोस्तों, मैंने 2020 का जब आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ, 2021 का फिलअप होना, तब मैंने वीडियो बनाया था यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 का पेपर वन का, जो साइंस साइड और आर्ट साइड दोनों के लिए कंपलसरी होता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पेपर वन 2020 का, ठीक है, क्योंकि ये पेपर सेकंड से कला वर्क उठा रहा हूं, और अगर आप कहेंगे तो साइंस वर्क का भी मैं करवा दूंगा पेपर सेकंड का, और पेपर वन तो दोनों के लिए होता है, साइंस और आर्ट दोनों के लिए। तो मैंने पेपर वन अपलोड किया था प्रीवियस 2020 का, बहुत लोग उसको देख रहे हैं, लगातार वो वायरल भी हो रहा है और कॉमेंट नीचे कर रहे हैं। कला वर्क वाले कह रहे हैं सर कला वर्क का भी करवा दीजिए, साइंस वर्क वाले कह रहे हैं साइंस वर्क का भी करवा दीजिए पेपर, यानी पेपर सेकंड में साइंस वर्क का करवा दीजिए और पेपर सेकंड में कला वर्क का करवा दीजिए। तो आप सभी का बहुत डिमांड आ रहा था, तो आज मैं पेपर सेकंड का कला वर्क का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और अगर साइंस साइड के छात्र कहेंगे तो मैं सेकंड पेपर का साइंस साइड के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सबकी डिमांड होगी तभी करने वाला हूं, तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने पेपर वन नहीं देखा है, वो साइंस साइड आर्ट साइड कॉमर्स साइड और एग्रीकल्चर सभी के लिए होता है, पेपर वन सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो 2020 का पेपर वन मैंने ऑलरेडी करवा दिया, लिंक इसका उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, वहां से देख लीजिए। और साथ ही साथ मैंने 2020 का क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फाइल वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, जिनको भी डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जाइए, क्लास के पीडीएफ के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा यूपी बीएड प्रीवियस क्वेश्चन, उस पर जाइएगा, वहां पर आपको पेपर डाउनलोड करने को मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर साइंस साइड का भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर रीड कीजिएगा, कला वर्ग वाले ध्यान दें पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और 2020 का पेपर वन देखना मत भूलिएगा दोस्तों, ये 2020 का पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि कंपलसरी होता है साइंस साइड और आर्ट साइड दोनों वालों के लिए। तो इसको मैंने सॉल्व करवाया, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं कला वर्ग, साइंस साइड वाले कहेंगे साइंस वर्ग का, तो साइंस वर्ग का भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा, अभी ये कला वर्ग का करवाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 51 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये, चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंधी घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 51 सभी लोग आंसर करते चलिएगा। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने का मतलब ये नहीं हो कि आप केवल सुने और देखें, सॉल्व करें, आपको ये भी आकलन लगाना है कि हमें कितना आता था प्रीवियस पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का फटाफट कमेंट कर दें आंसर, 51.abcd इस तरीके से कमेंट करते चलें। बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही, रोपण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। देखिए साइंस और कला वर्ग में, देखिए साइंस में क्या होता है, साइंस वर्ग वाले में क्या आएगा कि आपका और कुछ नहीं आएगा, केवल साइंस साइड साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। कला वर्ग में क्या रहेगा, हिस्ट्री वगैरह के ही क्वेश्चन कला वर्ग के सेक्शन में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है, 52 है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा है, कौन सा था ये आपको बताना है। तो 52 का जल्दी से उत्तर कर दें, बहुत बढ़िया, 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्यक वंश, कौन सा था, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 है, पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर दीजिए, और इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करें, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर क्लास पीडीएफ का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूपी बीएड प्रीवियस क्वेश्चन का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अंदर पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, विक्रमशिला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर देना है यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, सी सही है, नसरुद्दीन का।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 55 है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था। ये सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर नहीं है ना ही कोई एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट यही प्रश्न 2020 में आया था, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होने वाला ये। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मलिक काफूर को। और दोस्तों हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करवाने वाले हैं 2021 के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो चुका है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूपी बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अपलोड होती रहती हैं, आगे प्रैक्टिस सेट अपलोड होने वाली है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसको बहुत मदद मिलने वाला है कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 2021 में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, सभी के पीडीएफ फाइल फ्री में दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 55 का हो गया, 55 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 55 का ए हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 है, मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर देना है तो आप सभी को पता होगा 56 का डी सही हो जाएगा, बाजीराव प्रथम को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए 57 क्या कह रहा है दोस्तों, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर देना है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 57 का ए से हो जाएगा, 1773 का विनियामक अधिनियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिए यहाँ पर 58 कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, बलिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर दें आप लोग, 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहां पर, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए 60 कह रहा है भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर देना है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है, प्रश्न पूछा गया था। 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए चतुरानंद में समास है, क्वेश्चन नंबर 61 का दीजिए, चतुरानंद में समास है। अब इसमें देखो मिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आर्ट साइड का 50 क्वेश्चन आएगा उसमें मिक्स रहेगा, ऐसे साइंस साइड में भी सारा मिक्स रहेगा, हिंदी भी पूछ लेगा, अंग्रेजी भी पूछ लेगा, उसमें आपका साइंस भी पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके से 50 प्लस मिक्स क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी सही है, बहुव्रीही समास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर देना है तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 63 का राइट आंसर देना है तो दो ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं, आज स्कूल बंद रहेगा, आज बड़े दिनों बाद सुख प्राप्ति हुई है, और यहां पर देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है, 80 घाट का संतों की बहुलता है। ऑप्शन डी में है, आपकी मनोकामना पूरी हो, तो यहां पर शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 80 घाट पर संतों की बहुलता है, यानी संत बहुत ज्यादा हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर देना है, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। दोस्तों अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं इसका, आप कमेंट करने वाले हैं तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, वेबसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी पिक मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पे विजिट करेंगे, क्लास के पीडीएफ पे जाएंगे और वहां पर आपको यूपी बीएड प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शन, उसमें जाएगा, वहां पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर मैंने बता दिया, सी सही हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है, देखिए करुण रस का स्थाई भाव बताना है, 65 का उत्तर देना है, करुण रस का स्थाई भाव क्या है, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, शोक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, देखिए यहां पर थोड़ा कट ना जाए, मैं इसको सही से कर लेता हूं जूम,
देखिए अब आई होप आपको दिख रहा होगा 66 में है यहाँ पर, जेते जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 66 का राइट आंसर देना है। तो 66 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है, देखिए मैं खाना खा चुका हूँ वाक्य में कौन सा काल है, 67 का उत्तर देना है। 67 प्रश्न पूछा गया था 2020 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भूतकाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए 68 में है, पिता ने 2 लीटर दूध खरीदा में रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है, यानी पिता 2 लीटर दूध, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, निश्चित परिणाम वाचक, यानी कि बताया जा रहा है कि कितना खरीदा। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर अब आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आए हैं आर्ट साइड में, देख लेते हैं 69 से आपको देना है। यहां पर 69 का क्वेश्चन क्या है, चूज द अल्टरनेटिव विच मीनिंगफुल कंप्लीटली कंप्लीट्स द सेंटेंस, तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको फिल करना है कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ से देखिए, अब आपको सही से विजुअल दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 69 में दिया गया है, आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस है, इंक्रीजिंगली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू बी केम टीचिंग असिस्टेंट्स इन ऑर्डर टू डैश 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 अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 69 का जो राइट आंसर है, आप बताएं कमेंट करके, जी सी ऑल ऑप्शन सही है, इंस्ट्रक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से 71 तक, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग को एक वर्ड में क्या कहेंगे, 71 का देखते हैं इंग्लिश में कितनी आपको नॉलेज है, ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन एग्जैक्ट, तो आप बताइए अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए 2021 में तो आप क्या करेंगे, आप क्या आंसर देंगे, 70 का राइट आंसर दें, 70 का ए ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है, वो ही मेन मियन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए समवन हु लीव्स वन कंट्री टू लिव इन अनदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंट्री को छोड़ दे दूसरे कंट्री में रहने के लिए, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, बी ऑप्शन से हो जाएगा इमिग्रेंट कहेंगे उसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 से 73 तक, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी आपको विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है। 72 है देखिए, अबेंडेंट दिया गया है, तो अबेंडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, स्क्रैच, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्रैच। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका जो वर्ड दिया जाता है बहुत टिपिकल सिनोनिम्स दिया जाता है, नहीं पर्यायवाची दिया जाता है, जो कम यूजफुल हो, कम बोला जाता हो, ताकि आपको ये देखता है कि इसका मतलब पता होगा तभी तो आप इसका उल्टा बता पाएंगे ना। तो देखिए अबेंडेंट मतलब होता है यहाँ पर अबंडेंट, ठीक है, आई होप मैंने सही पढ़ा। देखिए अबेंडेंट मीन्स अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ अवेलेबल हो उसको कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रैच मतलब होता है कि इनसफिशेंट, सो ऑप्शन सी सही है, यानी जो स्क्रैच मतलब होता है इनसफिशेंट, अपर्याप्त चीज़ें, और अबंडेंट जो है इसका मतलब होता है कि बहुत मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा स्क्रैच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है, देखिए नोटिसेबल मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करें, विलोम इसका 73, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आप सभी को पता हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिडन। देखिए नोटिसेबल मींस इजिली सीन और नोटिस्ड, एंड हिडन मींस विच कैन नॉट बी सीन, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 to 75, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी जो नजदीकी जो सबसे ज्यादा मीनिंग देता हो क्वेश्चन का एंड वर्ड का वो बताना है, ठीक है। करेजुअस वर्ड दिया गया, करेजुअस का मीनिंग बताना है जो नजदीकी हो, जो मीनिंग देता हो इसका, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी सही हो जाएगा, फियरलेस। करेजुअस मीन्स होता है नॉट डिटर्ड बाई डेंस, यानी कि जो खतरों से घबराता ना हो, ठीक है, हिम्मती हो, करेज हो उसके अंदर, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फियरलेस।
सॉरी उल्टा नहीं यहाँ पूछा गया था, यहाँ पर नियरली जो मीनिंग देता हूँ, तो फियरलेस मतलब भी निडर होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, जो डरता ना हो, जो निडर हो एकदम से, फियरलेस हो, उसकी डर ना हो उसके अंदर, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 75। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं प्रूफ भी दिखा दिया, मॉडल पेपर, मॉडल सॉल्व पेपर 2020 का सॉल्व पेपर मैं करवा रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, देखिए रिवाइजिंग मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नज़दीकी इसका अर्थ देता हूँ बताए। क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर हो जाएगा प्रिटी, ठीक है। देखिए रिवाइजिंग मीन्स डिलाइटफुल एंड प्रिटी मीन्स भी होता है अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर डिलाइटफुल मतलब होता है आकर्षक दिखना, अच्छा दिखना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो पिटी होगा उसका भी मतलब होता है अट्रैक्टिव दिखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 से, देखिए इंग्लिश खत्म हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर दें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 कह रहा है किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, 77 का उत्तर देना है, तो 77 का सी से ही हो जाएगा, गोवा का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 78 का राइट आंसर देना है, 78 का यहां पर आपका ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्वतीय स्लोपों यानी हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, 79 का आंसर दें फटाफट, 79 का ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, समोच्च रेखीय जुताई। और इसी तरीके से साइंस के क्वेश्चन चाहिए आपको कि साइंस वालों के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, अगर आप चाहते हैं उसको भी सॉल्व करना साइंस वाले, तो कमेंट में जरूर बताइए कि साइंस वाला भी करवा दीजिए सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है, देखिए किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, लूनी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है, 81 का राइट आंसर दें, 81 का क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ज्वारीय वन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिए मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए कौन सा तत्व सूर्य से में सर्वाधिक पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है दोस्तों, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए स्वतंत्रता न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरकार का संघीय स्वरूप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है, देखिए संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण दिया, तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, 87 का राइट आंसर देना है आपको, तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 है, देखिए मंत्रिपरिषद ने निम्न में से कौन से शामिल नहीं है, तो 88 का जो सही उत्तर था दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 82 में, देखिए भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोध कानून किस वर्ष में पारित किया गया था, 89 का राइट आंसर देना है, 89 का डी सही हो जाएगा, वर्ष 1985 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरीय संस्थानीय सरकारों के को संवैधानिक दर्जा दिया था, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 74वां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 है, एक ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर देना है, 91 का आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए से हो जाएगा, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 है, देखिए किसी तत्व की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92
थ्री है देखिए, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थाई रखती है। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94 है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आय बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है देखिए, किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में समर्थ रहता है। 95 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी सही है, पूर्ण स्पर्धा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर देना है, 96 में बी ऑप्शन सही था, जेबी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। 97 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो राइट आंसर था बी ऑप्शन था, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 है देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। 99 का राइट आंसर दें, क्वेश्चन नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा रहा, 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, व्यक्तिगत यूनिट से। और ये था अंतिम प्रश्न दो तो कला वर्ग वालों के लिए, 100 नंबर देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, वर्ष 1998 में। तो दोस्तों ये था दोस्तों 2020 में कला वर्ग में 50 प्रश्न पूछे गए, 50 प्रश्न जो पूछा गया था। अगर आपको 2020 का साइंस वर्ग का भी क्वेश्चन देखना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको 2020 का पेपर डाउनलोड करना है फर्स्ट पेपर और कला वर्ग का, तो आपको लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वेबसाइट पर विजिट करेंगे, ऊपर आपको क्लास PDF का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टाइप करेंगे तो आपको UP BEd एंट्रेंस एग्जाम प्री बेसिस क्वेश्चन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके जाएंगे, पेज ओपन होगा, आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दिखेगा, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी प्री बेसिस क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो BEd एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी भी मदद करें पढ़ाई में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।